लास्ट टाइम कितना हो गया सर, लास्ट टाइम आपने नेट बायोस को बताया था कि जब उसमें के डीएचसीपी इनेबल रहना चाहिए और वो प्रायोरिटाइज करेगा कि अगर डीएचसीपी है तो पहले डीएनएस, मतलब आपने बताया था उसके बारे में, वो था। डीएनएस का क्लास पूरा हो गया सर? नहीं, नहीं, और बाकी है? जी अरे एक ही तो क्लास दिया था। जी क्योंकि डीएनएस के रिकॉर्ड्स होते हैं ना, वो रिकॉर्ड वगैरह वो भी कवर। जी वो नहीं हुए भाई अभी। अरे अब तो शुरू होएगा यार जी 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 आज से तो शुरू होगा। जी सर। वो तो नेट वाइज वाली क्लास थी। जी अच्छा। डीएनएस तो अब शुरू होएगा। डीएनएस शुरू होने से पहले वो इंट्रो था, जी। कास्ट मतलब कास्टिंग थी उसकी। जी सर। असली पिक्चर स्टार्ट होगी ना। देखो सबसे पहले बात करते हैं डीएनएस सर्वर की। तो मैंने आपको देखो बता ही दिया था, ये चीज़ तो आपको बता दी है। डोमेन नेम सिस्टम कह सकते हो या डोमेन नेम सर्विस कह सकते हो इसको, ठीक है। अब ये करता क्या है बेसिकली, देखो डीएनएस जो बनाया गया है वो बनाया गया है जो हमारे कंप्यूटर नेम है उनको आईपी एड्रेस, और आईपी एड्रेस को कंप्यूटर नेम में क्या करता है, रिजॉल्व करता है। जी इट्स प्रोवाइड रेजोल्यूशन ऑफ नेम्स टू आईपी एंड रेजोल्यूशन ऑफ आईपी टू नेम्स, यानी कि आईपी आईपी से कंप्यूटर नेम और कंप्यूटर नेम से आईपी में रिजॉल्व करता है, ठीक है। अब जो भी डीएनएस नेम होता है एक हरारिकल नेम होता है, इट्स ए हरारिकल नेम स्पेस, इसे हम कहते हैं हरारिकल नेम स्पेस। हरारिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका एक पूरा पूरा क्या है, एक ट्री स्ट्रक्चर होता है, जिसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, बहुत सारे लेवल हैं आपके, हर लेवल जो होता है एक डॉट से सेपरेट होता है, ठीक है। जी जैसे कि कोई भी आप नाम यूज करते हो, ठीक है, तो उसमें अलग अलग पार्ट होंगे। अब ये कैसे काम करेगा, देखो मान के चलते हैं कि हमारे पास क्या है, एक सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, और एक यूजर है यहाँ पे। अब ये क्या कर रहा है, ये यूजर यहाँ तक पहुँचना चाहता है। वेयर इज द सिस्टम वन, ये जानना चाहता है कि सिस्टम वन कहाँ पे लोकेट करता है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, ये रिक्वेस्ट करेगा किससे, डीएनएस सर्विस से रिक्वेस्ट करेगा या डीएनएस सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा, और डीएनएस आपको क्या करेगा, एड्रेस बता देगा इस कंप्यूटर का। अब ये कैसे हो रहा है, ये कैसे बता पा रहा है, वो हम आगे समझेंगे। देखो जब भी हम किसी भी नेम या आईपी के रेस्पेक्टिव रिक्वेस्ट करते हैं, अब नाम से जो रिलेटेड है वो आईपी एड्रेस है, क्योंकि जो आईपी एड्रेस है वो पर्टिकुलर मशीन का स्पेसिफिक है, ठीक है ना। तो हमारी जो भी सर्विस है सिस्टम वन, अब इसको रिजॉल्व करने के लिए डीएनएस से पूछेगा। डीएनएस क्या करेगा, अपने डेटाबेस में चेक करेगा। डीएनएस ये चेक करेगा कि इस नाम से रिस्पेक्टिव कौन सा आईपी एड्रेस मेरे डेटाबेस में अवेलेबल है, तो डेटाबेस में से देख के ही बता रहा है ये इसको। और इसको जैसे इसने रिजॉल्व किया वैसे ही इस कंप्यूटर को क्या करेगा, कनेक्ट कर पाएगा, ठीक है ना। जी अब डीएनएस सर्वर किस किस कंप्यूटर पे चल सकता है, सभी कंप्यूटर पे चलेगा, जितने भी क्लाइंट हैं और सर्वर हैं सभी पे काम करता है। तो हमारे जितने भी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, 12 है, 16 है, 19 है, 8 है, 2003 है, विंडोज एनटी सर्वर है, यूनिक्स सर्वर है, लिनक्स सर्वर है, नेटवेयर सर्वर है, इन सभी पे काम करता है। अब डीएनएस का जो स्ट्रक्चर है वो हरालिकल स्ट्रक्चर क्यों है, उसके बारे में बात करेंगे। अब ये पूरा क्या है, डीएनएस नेम स्पेस को समझेंगे। देखो डीएनएस क्या होता है, एक हरारिकल नेम होता है। हरारिकल का मतलब होता है कि इसके अलग अलग लेवल हैं, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले बात करेंगे कि स्टार्टिंग का लेवल क्या है। स्टार्टिंग का लेवल है डॉट, इसको कहते हैं रूट, ठीक है। तो कोई भी आप नाम यूज करते हो, जैसे मान के चलते हैं मैंने कहा MSN.com, तो ये MSN.com नहीं है बल्कि क्या है, MSN.com डॉट है, ठीक है ना। या आप लिखते हो yahoo.com, तो आप ऐसे लिखते हो, लेकिन एक्चुअल में क्या है, यहाँ yahoo.com डॉट है ये। यानी कि किसी भी डीएनएस नेम में जो पहला
जो पार्ट है इसका वो है रूट, ठीक है ना। ये जो रूट है ये हिडन है, ये रूट क्या है, हिडन है। जैसे आप किसी वेबसाइट का एड्रेस टाइप करते हो तो डॉट आप नहीं टाइप करते हो, वो डॉट क्या है, अंडरस्टूड है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर ऐड हो जाएगा लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे एक डॉट भी है। एक्चुअल में डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। रूट एक्चुअल में क्या है, ये इट इज ए रूट सर्वर, ये एक्चुअल में रूट क्या है, ये रूट सर्वर को रिप्रेजेंट करता है। अब रूट सर्वर जो होते हैं हमारे पास, इनके पास पूरा डेटाबेस है। अब रूट सर्वर जो होते हैं आपके पास, ए से लेके एम तक के रूट सर्वर अवेलेबल है। तो ए बी सी डी ऐसे चलेंगे रूट सर्वर। अब पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है टोटल जो रूट सर्वर है वो 13 है, ठीक है। अब रूट सर्वर जो होते हैं हमारे पास वो क्या करते हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी वेबसाइट हैं उनका डेटाबेस स्टोर करते हैं। डीएनएस जो है उसका जो बेस है वो रूट है। तो रूट सर्वर अलग अलग कंट्री के अंदर, मतलब जैसे मैं इंडिया कह रहा हूँ तो इंडिया के अंदर भी रूट सर्वर होगा, ठीक है ना। अगर मैं कहता हूँ एशिया के अंदर कितने रूट सर्वर हैं, तो उसमें एशिया रीजन में जो जो मेन मेन कंट्री है जहाँ पे मतलब ऑप्टिकल फाइबर डाली गई हैं, ठीक है, और नियरेस्ट कनेक्टिविटी है वहाँ पे रूट सर्वर इन्होंने डाल रखे हैं, ठीक है ना। जहाँ से कनेक्टिविटी ईजी पड़ेगी वहीं पर रूट सर्वर आपको मिलेगी, ठीक है। अब आपका जो रूट सर्वर है वो कहाँ पे है मालूम है, इंडिया के अंदर रूट सर्वर कहाँ पे है, चेन्नई। हाँ, ठीक है ना। और एक रूट सर्वर आपका यूएई के अंदर है, एक रूट सर्वर आपका कहाँ पे है, क्या कहते हैं इसको, अफ्रीका के अंदर कम से कम 3 या 4 है, मालूम है क्यों। पूरा जो रीजन है वो पूरा ऑप्टिकल फाइबर से क्या है, कनेक्ट। तो वहाँ से कम 4 या 5 रूट सर्वर अवेलेबल होंगे आपके पास, ठीक है ना। तो इसी तरह से पूरा जो वर्ल्ड है वो पूरा क्या है, कवर किया हुआ है। तो पूरे वर्ल्ड में जगह 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 रूट सर्वर रखे गए हैं। अब जब भी हम अपने डीएनएस सर्वर से रिक्वेस्ट करते हैं तो हमारा डीएनएस सर्वर रिप्लाई करे ना करे लेकिन हमें वो वेबसाइट प्रेजेंट हो जाती है। ऐसा मालूम है क्यों होता है, क्योंकि जब भी कोई वेबसाइट सर्च करते हैं तो अगर वेबसाइट वो सर्च नहीं हो पा रही, हमारा डीएनएस सर्वर उसको ढूंढ नहीं पा रहा है, तो एक्चुअल में क्या होता है, वो डीएनएस सर्वर रूट सर्वर से क्वेरी करके ही रिजल्ट को फैच करता है। इसलिए ये रूट सर्वर हमारे पास काम आते हैं, ठीक है ना। अभी रूट सर्वर आपको दिखाऊंगा कहाँ पे इनकी एंट्रीज होती है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, रूट है, ये हिडन है, ये देखो। तो ये जो लेवल है आपका ये 0 लेवल है आपका, ठीक है ना। अब ये पूरी हायरार्की बनी, आप देखो रूट के बाद यहाँ पे आप देखो .org.com.edu ये क्या है, देख रहे हो, ये 3 वर्ड के नाम आ रहे हैं, देखो आ रहे हैं ना। कोई भी वेबसाइट है तो या तो वो कॉम सर्वर पे होगी या किसी और सर्वर पे होगी। तो ये जितने होते हैं इन्हें कहते हैं टॉप लेवल डोमेन्स, टॉप लेवल डोमेन्स। जी, ऑर्गेनाइजेशन, कमर्शियल, एजुकेशन और ये बताने, शॉर्ट में कहते हैं TLDS, जी, टॉप लेवल डोमेन्स। अब ये टॉप लेवल डोमेन्स जो होते हैं ये 2 तरह के होते हैं, एक तो होते हैं पर्पस वाइज और दूसरे होते हैं लोकेशन वाइज। पर्पस वाइज का मतलब है कि जैसे मान के चलते हैं, मैंने कहा है कमर्शियल पर्पस, एक वेबसाइट है जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन यूज करना चाहता है, यानी कमर्शियल चीज के लिए यूज करना चाहता है, वो क्या करेगा, जब अपनी वेबसाइट ओपन करेगा तो क्या करेगा, डॉट कॉम पे उसको रजिस्टर करेगा। तो इसके लिए क्या होगा, वो जो डोमेन प्रोवाइडर्स हैं उनसे कॉन्टेक्ट करेगा। और डोमेन प्रोवाइडर कौन है आपका, बहुत सारे डोमेन प्रोवाइडर है, गोडैडी है और हाँ ये सब क्या है, डोमेन प्रोवाइडर है। आप गूगल से भी वेबसाइट परचेज कर सकते हो, ठीक है ना, गोडैडी से आप परचेज कर सकते हो। बहुत सारे जो डोमेन प्रोवाइडर हैं वो पूरे वर्ल्ड वाइड में फैले हुए हैं, वो एक्चुअल में एज ए फ्रेंचाइजी के फॉर्म में काम कर रहे हैं, ठीक है।
लेकिन इन सबको डोमेन प्रोवाइड कौन कर रहा है? आईना, ठीक है ना? और आईना किसका पार्ट है? ICANN का पार्ट है। तो ICANN.org जो है ये ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेट कॉरपोरेशन ऑफ एजाइन नंबर्स एंड नेमिंग, उसकी एक ब्रांच है आईना, इंटरनेट एजाइन नंबर अथॉरिटी। ये वाली जो ब्रांच है आपकी आईना वाली, aina.org, ये भी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है ये भी, लेकिन ये इसकी नीचे की ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है? मेन ये है, इसके नीचे ये है। यही क्या कर रही है? आईपी एड्रेस नेमिंग सबके लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो ये क्या क्या प्रोवाइड कर रही है? एक तो आपको आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर रही है, जितने भी पब्लिक आईपी एड्रेस है वो प्रोवाइड कर रही है, ठीक है? तो आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 यही प्रोवाइड करती है आईना। इसके अलावा कोई भी डोमेन आप रजिस्टर करना चाहते हो तो डोमेन रजिस्ट्रार, इसके पास अथॉरिटी है डोमेन को रजिस्टर करने की, तो इसे कहेंगे डोमेन रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार है, ठीक है? रजिस्ट्रार का मतलब है कि भाई जितनी वेबसाइट है उनका जो डेटाबेस है वो इसी के पास है। तो इसकी अलग अलग फ्रेंचाइजी हैं जो अलग अलग जगह पे काम कर रही हैं, ठीक है? तो आप क्या करते हो, फ्रेंचाइजी से वेबसाइट्स को परचेज कर सकते हो, उनके डोमेन को परचेज कर सकते हो। तो जितने भी आपके डोमेन होते हैं वो अलग अलग पर्पस के लिए यूज हो, जैसे ORG ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कॉम जो है वो कमर्शियल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, EDUI जो है ये एजुकेशन के लिए है, ठीक है? लेकिन आप देख रहे हो दो नंबर वाला, देखो .au, इसका मतलब क्या है? लोकेशन। कौन सी लोकेशन? AU मतलब ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, समझ रहे हो? ऑस्ट्रेलिया जो वेबसाइट है आपकी, वो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लेना चाहती है, तो उसको डोमेन कैसे मिलेगा? abc.gov.au, ठीक है ना? तो वो जिस नाम से खोलना चाहता है वेबसाइट खोल सकता है, गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंदर भी खोलना चाहता है, और लोकेशन उसकी ऑस्ट्रेलिया है, तो उसकी वेबसाइट हो जाएगी abc.gov.au। तो लोकेशन वाइज है। अब जैसे मान के चलते इंडिया में आप खोलना चाहते हैं, तो इंडिया के लिए है .in, चाइना के लिए है .cn, कनाडा के लिए .ca, नाइजीरिया के लिए .ng, पाकिस्तान के लिए .pk, ठीक है? तो इस तरह की बहुत सारी, ये जितने भी हैं ये क्या है, आपके टॉप लेवल डोमेन्स बनाए गए। इसकी बहुत लंबी लिस्ट है, ठीक है ना? तो अलग अलग कंट्री के हिसाब से वो बनाई गई है, और उसको आप यूज कर सकते हो अपने हिसाब से। जैसे हम यहाँ पे खोलते हैं गूगल, तो हमारा खुलता है google.co.in, खुलता है ना? तो अब देखो गूगल क्या है? कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, तो CO, ये देखो शॉर्ट कर दिया, तो क्योंकि हम तीन वर्ड में यहाँ यूज नहीं कर सकते, हमने दो वर्ड में कर दिया है। ये कॉम है, एक्चुअल में ये CO बन गया, ठीक है? और .in मतलब इंडिया, तो गूगल इंडिया को हम बोलेंगे google.co.in। अगर गूगल चाइना खोलेंगे तो कैसे खोलेगा? google.co.cn चाइना के लिए, ठीक है? तो ये अलग अलग जो है इस तरीके से सारे टॉप लेवल्स के हैं बनाए गए हैं, पर्पस के हिसाब से और लोकेशन के हिसाब से, ठीक है? ये हो गए आपके टॉप लेवल, ये सारे टॉप लेवल आ गए। टॉप लेवल के नीचे आपके आ जाएंगे सेकंड लेवल, ठीक है? ये टॉप लेवल हो गया, यानी कि फर्स्ट लेवल, ये हो गया सेकंड लेवल। अब जो सेकंड लेवल होते हैं वो आपके एक्चुअल डोमेन होते हैं, ठीक है? तो जैसे हमने कहा microsoft.com, तो microsoft.com में जो माइक्रोसॉफ्ट है ये सेकंड लेवल डोमेन है, जबकि कॉम जो है वो फर्स्ट लेवल डोमेन है, यानी कि टॉप लेवल डोमेन है, ठीक है? और डॉट क्या हो गया? रूट हो गया। तो सबसे पहले आया रूट, रूट के बाद आया टॉप लेवल, टॉप लेवल के बाद आया सेकंड लेवल, सेकेंड लेवल। और सेकेंड लेवल के नीचे आप सब डोमेन यूज कर सकते हो, जैसे हमने कहा corp.microsoft.com, तो corp क्या हो गया? corp इज ए सब डोमेन, ये हो गया सब डोमेन, माइक्रोसॉफ्ट हो गया सेकेंड लेवल डोमेन, और com हो गया टॉप लेवल डोमेन, समझ आया? तो इस तरह से ये हायरार्की बन जाएगी, इसी को बोलते हैं DNS हायरार्की या DNS नेम स्पेस।
समझ आ गया? ये देख, हमने कहा कॉर्प डॉट माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम डॉट, तो डॉट तो क्या है, रूट को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। कॉम रिप्रेजेंट करेगा टॉप लेवल को, माइक्रोसॉफ्ट रिप्रेजेंट करेगा सेकंड लेवल डोमेन को, और कॉर्प क्या हो गया, सब डोमेन। ठीक है, ये इस तरह की हायरार्की है, ये हमेशा राइट टू लेफ्ट जा रही है। पहले डॉट आया, डॉट के बाद कॉम आया, कॉम के बाद माइक्रोसॉफ्ट आया, उसके बाद सब डोमेन आया। तो इस तरह से इसकी हायरार्की क्या है, राइट टू लेफ्ट जाएगी, ठीक है ना। अब देखो, जब भी हम डीएनएस सर्वर जो है यूज करते हैं, तो डीएनएस एक्चुअल में काम करता है डीएनएस क्वेरीज के थ्रू, ठीक है ना। अब ये कैसे काम करता है, रूट सर्वर कैसे काम करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। अब देखो, हमारे पास एक यूजर है जो एक वेब पेज ओपन करना चाहता है, सर्वर वन डॉट माइक्रोसॉफ्ट कॉम। ये एक वेब पेज ओपन करना चाहता है जिसका एड्रेस ये है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, सबसे पहले रिक्वेस्ट करेगा अपने डीएनएस सर्वर से। तो देखो, हम लोग क्या करते हैं, जब भी इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं तो इंटरनेट कनेक्शन वाला आपको एक डीएनएस सर्वर का एड्रेस देता है जरूर, बताओ देता है कि नहीं देता। तो डीएनएस सर्वर का एड्रेस वो इसलिए देता है क्योंकि आप जब वेबसाइट ओपन करोगे तो सबसे पहली रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, किसी चीज को सर्च करने के लिए, क्योंकि नाम के अकॉर्डिंग उसका आईपी एड्रेस सर्च होगा। आपने कोई भी नाम डाला, आपने डाला सर्वर वन डॉट माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम, तो ये वाला जो कंप्यूटर है इस नाम को कहाँ पे सर्च करेगा, इस नाम को सर्च करेगा डीएनएस सर्वर के पास, तो ये डीएनएस से रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है ना। अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी, जब भी हम किसी नाम को सर्च करते हैं तो हमारे पास एक होस्ट फाइल होती है, इसके बारे में बताया था मैंने आपको। यस सर, होस्ट फाइल होती है। अब ये जो होस्ट फाइल होती है, इसके अंदर एंट्रीज होती है हमारी कुछ, जैसे मैंने वेबसाइट ब्लॉक करके आपको दिखाई थी। तो ये जो एंट्रीज होती है, एक्चुअल में हमारा कंप्यूटर क्या करता है, डीएनएस सर्वर पे सर्च करने से पहले इस होस्ट फाइल के अंदर सर्च करता है। तो प्रेफरेंस इसको मिल रहा है नंबर वन पे, ठीक है, ये मैंने आपको पहले बताया था। तो अगर होस्ट फाइल के अंदर वो एंट्रीज है तो वेबसाइट क्या होगी, उस आईपी एड्रेस पे रीडायरेक्ट हो जाएगी। जैसे मैंने कहा, मैंने खोला एक्स वाई जेड और उसको सर्च किया, तो ये कहाँ सर्च करेगा, होस्ट फाइल के अंदर। होस्ट फाइल के अंदर उसका नाम मिलेगा और उसका आईपी एड्रेस मिलेगा। अब ये क्या करेगा, इस वेबसाइट को इस आईपी पे ढूंढेगा, ठीक है। अगर ये आईपी लोकेट होता है या पिंग होता है और एक्चुअली में ये उस वेबसाइट को होस्ट कर रहा है, तो वहां से इस वेब पेज को उठा के ले आएगा, अपनी स्क्रीन पे खोल देगा, राइट। अब क्या है कि ये होस्ट फाइल तब काम करेगी, ये वाली, जब इसके अंदर एंट्रीज होगी। अगर इसके अंदर एंट्रीज ही नहीं होगी तो क्या होगा, ये होस्ट फाइल काम नहीं करेगी। तो नंबर वन पे प्रेफरेंस इसी को मिल रही है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ये होस्ट फाइल एम्प्टी होती है, इसके अंदर कोई एंट्रीज नहीं होती है। मैंने तो आपको एंट्री करके दिखाई थी, लेकिन एक्चुअल में इसके अंदर कोई एंट्री नहीं थी, ठीक है ना। तो क्या होता है, हमारा कंप्यूटर पहले यहाँ ढूंढ रहा है, यहाँ नहीं मिलेगा तो कहाँ क्वेरी करेगा, यहाँ पे अपने डीएनएस सर्वर पे क्वेरी करेगा। ये चीज समझ आ गई, तो पहला इसको मिल रहा है प्रेफरेंस, सेकंड नंबर डीएनएस को मिल रहा है, ठीक है। तो इसने देखो क्या किया, रिक्वेस्ट किया अपने डीएनएस सर्वर से, और जब डीएनएस सर्वर पे रिक्वेस्ट करेंगे तो डीएनएस अपने डेटाबेस को चेक करेगा। देखो, जो डीएनएस होता है उसके अंदर जो डेटाबेस होता है, डेटाबेस, इस डेटाबेस में दो चीजें होती है। इस डेटाबेस में क्या होते हैं, दो तरह के जोन होते हैं, एक होता है फॉरवर्ड लुकअप जोन और दूसरा जोन होता है रिवर्स लुकअप जोन। तो दोनों तरह के जोन में सर्च करते हैं। तो हमने क्वेरी किया अपने डीएनएस सर्वर से, डीएनएस सर्वर ने पहले सर्च किया फॉरवर्ड लुकअप जोन में और उसके बाद सर्च किया रिवर्स लुकअप जोन में। अब दोनों जोन में क्या करेगा, बराबर सर्च करेगा। अब इसने सर्च किया, लेकिन सर्च करने से पहले इसने कैश के अंदर सर्च किया। देखो क्या होता है,
कि जब भी हम कोई क्वेरी करते हैं किसी डीएनएस सर्वर से, तो डीएनएस सर्वर के अंदर एक मेमोरी होती है, ठीक है, जो फास्टेस्ट मेमोरी होती है, जिसे हम कहते हैं कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जो है वो फास्टेस्ट मेमोरी है, और ये सर्चिंग के लिए काम आती है। जब भी हम बार बार किसी सर्वर से क्वेरी करते हैं तो वो एक्चुअल में कैश के अंदर चली जाती है, और जब वो क्वेरी कैश के अंदर चली जाएगी तो कैश के अंदर उसका आंसर होगा। अगर वो कैश के अंदर है तो डीएनएस सर्वर अपने डेटाबेस में जाने से पहले कैश के अंदर सर्च करेगा और बताएगा, ठीक है। अगर कैश के अंदर नहीं है तो उसके बाद डेटाबेस में सर्च करेगा, तो पहले कहाँ सर्च कर रहा है? कैश के अंदर। कैश के अंदर अगर है तो ठीक है, ये आप आंसर करेगा, लेकिन अगर कैश के अंदर है ही नहीं तो क्या करेगा? नहीं तो कोई नहीं है तो फिर क्या करेगा? अब ये क्या करेगा? अब ये कहेगा एम आई ऑथोरिटेटिव, क्या वो रिकॉर्ड मेरे डेटाबेस में प्रेजेंट है। ऑथोरिटेटिव का मतलब होता है कि एक्चुअल में वो रिकॉर्ड मेरे डेटाबेस में प्रेजेंट है, और नॉन ऑथोरिटेटिव का मतलब होता है कि मेरे डेटाबेस में तो प्रेजेंट नहीं है लेकिन किसी और के डेटाबेस में वो प्रेजेंट है। राइट, समझ आया ऑथोरिटेटिव का मतलब? जी। आई एम ऑथोरिटेटिव, नो कहा इसने। नो का मतलब कि मेरे डेटाबेस में प्रेजेंट नहीं है, यानी किसी और के डेटाबेस में वो प्रेजेंट है। तो मेरे डीएनएस पे सारे रिकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना। जो वेबसाइट में ओपन करना चाहता हूँ तो मैं अपने लोकल डीएनएस से रिक्वेस्ट करूंगा, तो सारी वेबसाइट उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है ना। तो कुछ होंगी वहां से वो मिल जाएंगी, लेकिन जब नहीं प्रेजेंट है तो क्या होगा? अब वो क्या करेगा? किसी दूसरे डीएनएस सर्वर पे सर्च करेगा, और कहां सर्च करेगा? अगर दूसरे डीएनएस सर्वर की लिस्ट अवेलेबल होगी तो उस लिस्ट के अंदर ढूंढेगा, ठीक है ना। और अगर लिस्ट अवेलेबल नहीं होगी तो कहां ढूंढेगा? रूट हिंट पे, यानी कि रूट सर्वर पे। तो हमारे पास बहुत सारे रूट सर्वर है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे रूट सर्वर अवेलेबल है, और उनके आईपी एड्रेस क्या है इस डीएनएस को पता है। दुनिया में जितने भी डीएनएस सर्वर है सभी के पास रूट हिंट की एंट्री होती है, यानी रूट सर्वर की एंट्रीज होती है बाय डिफॉल्ट, ठीक है ना। तो क्या होता है, जब भी कोई आंसर नहीं मिलता है तो हम कहां पे सर्च करेंगे? रूट हिंट पे, यानी कि रूट सर्वर पे। तो हमारी क्वेरी कहां जाएगी? रूट सर्वर पे। ये देखो, अब हमारे पास तो नहीं मिला, राइट, तो अब हमारी क्वेरी कहां गई है? रूट सर्वर पे। और रूट सर्वर में क्या होगा? जो लिस्ट में सबसे नियरेस्ट सर्वर होगा उसके पास क्वेरी जाएगी। अब जैसे मैं इंडिया में हूं तो इंडिया में ढूंढेगा कोई रूट सर्वर है? कहेगा हाँ भैया है, एक चेन्नई के अंदर है, तो वहां पे जाके क्या होगा? वो सर्च करेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर वहां नहीं मिला तो क्या करेगा? किसी दूसरे सर्वर पे सर्च करेगा, समझ रहे हो। तो लिस्ट बहुत लंबी है, तो जो नियरेस्ट मिलेगा सबसे पहले उसके पास जाएगा ये, राइट। तो ये नियरेस्ट रूट सर्वर के पास क्वेरी जाती है। अब नियरेस्ट जो रूट सर्वर होता है वो ही चेक करता है क्या मेरी कैश के अंदर प्रेजेंट है। अगर उसकी कैश के अंदर प्रेजेंट है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो क्या होगा? देखो ये कह रहा है कैश के अंदर प्रेजेंट है, नहीं है। अब कैश के अंदर अगर प्रेजेंट नहीं है तो अब क्या करेगा? डेटाबेस में सर्च करेगा, ठीक है ना। तो अब क्या करेगा? डेटाबेस में सर्च करेगा। अब डेटाबेस में सर्च करने का मतलब है कि ऐसे सर्वर को सर्च करना जिसके अंदर एक्चुअल में वो एंट्रीज हैं। तो एक्चुअल में जो हमारी क्वेरीज है वो किस चीज के लिए है? कॉम सर्वर। देखो रूट के बाद कहां गया? कॉम पे गया। देखो अब ये कहां सर्च करेगा? कॉम सर्वर पे। ये देखो सबसे पहले कहां पे सर्च किया इसने? रूट सर्वर पे। तो रूट सर्वर में से किसी भी रूट सर्वर को उठा लिया इसने, और फिर कहां गया? टॉप लेवल सर्वर्स पे। अब ये कहां सर्च कर रहा है? कॉम सर्वर पे। अब कॉम सर्वर पे भी बहुत सारे क्या है हमारे पास सर्वर अलग अलग है। कॉम के अंदर भी बहुत सारे सर्वर अवेलेबल है, तो उसमें देखो अलग अलग सर्वर की लिस्ट यहाँ पे हमें मिल गई है, ठीक है ना। अब ये सारे क्या है? टॉप लेवल सर्वर है, ठीक है। अब ये इस पे कॉम पे सर्च करेगा और ढूंढना चाहेगा ऑथोरिटेटिव सर्वर, एम आई ऑथोरिटेटिव। अब ऑथोरिटेटिव सर्वर वो सर्वर होगा जिसपे एक्चुअल डेटाबेस प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसका सर्वर वन का, माइक्रोसॉफ्ट के का जो सर्वर है सर्वर वन, उसको ढूंढ रहा है ये।
अब देखो अब ये क्या हुआ, इसने यहाँ पे देखा बहुत सारे सर्वर हैं, लेकिन मुझे किस सर्वर पे जाना है, मुझे जाना है माइक्रोसॉफ्ट सर्वर पे। कॉम के नीचे बहुत सारे सर्वर है, अब कॉम के नीचे अब ढूंढेगा माइक्रोसॉफ्ट को, तो इसको नहीं पता है कि एक्चुअल में ये क्वेरी किसके लिए चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट के लिए। तो ये आपसे पूछेगा, ये क्या करेगा, क्वेरी पूछेगा कि भैया कॉम बहुत सारे सर्वर है कॉम के नीचे, अब ये पूछेगा एक्चुअल में आप किससे क्वेरी करना चाहते हैं, तो ये बताएगा इसको माइक्रोसॉफ्ट से क्वेरी करना। तो अब ये क्या करेगा, इसको इसके नीचे भेज देगा, इसके नीचे यहाँ पे भेज दिया इसने, ये देखो अब ये पहुंच गया, देखो इसके नीचे पहुंचेगा तो ये ढूंढ लेगा माइक्रोसॉफ्ट को। तो माइक्रोसॉफ्ट के देखो बहुत सारे सर्वर है, MSFT करके देखो बहुत सारे सर्वर है, ठीक है, नंबर ऑफ सर्वर्स है यहाँ पे लंबी लिस्ट है, ठीक है। तो इसके नीचे भेज देगा ये, तो ये सबसे पहले रूट पे सर्च किया, उसके बाद टॉप लेवल पे सर्च किया, ये देखो यहाँ पे इसको मिल गया माइक्रोसॉफ्ट इसके नीचे। तो माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे DNS सर्वर है, उसमें से किसके पास है, तो ये पहले कैश के अंदर जाएगा, चेक करेगा, यहाँ मिल गया, यस देखो MI ऑथेंटिकेटिव, यहाँ पे किसी न किसी सर्वर पे इसकी एंट्री प्रेजेंट है, तो यहाँ पे वो एक्चुअल डेटाबेस को इसने ढूंढ लिया है, और ढूंढने के बाद इसने पूछा MI ऑथोरिटेटिव, इसने यस कहा, यानी कि उस डेटाबेस में ढूंढ लिया, और डेटाबेस में ढूंढने के बाद उसका जो IP एड्रेस है वो उसको मिल गया, ये देखो ये IP एड्रेस मिल चुका है। और जब IP एड्रेस मिल गया है तो ये जो वेबसाइट है वो यहाँ पे लोकेट करेगी किसी ना किसी जगह, और यहाँ से उस एड्रेस को ढूंढ लेगा ये। ढूंढने के बाद ये इसको क्या करेगा, बता देगा, और ये इसकी कैश के अंदर एंट्री आ जाएगी। इसके बाद क्या करेगा, उस होस्ट के साथ ये TCP कनेक्शन बना लेगा, ठीक है ना, और इस होस्ट को क्या है कनेक्ट कर पाएगा, अगर वो वेबसाइट है तो वेबसाइट ओपन होगी, अदरवाइज इस होस्ट के साथ ये कम्युनिकेशन कर पाएगा, यानी कि TCP कनेक्शन बनाना या थ्री वे हैंडशेक कर पाएगा। तो अब ये थ्री वे हैंडशेक कर रहा है इसके साथ, यानी कि एक्चुअल सर्वर पे क्या है, ये प्रेजेंट है, यहाँ पे इसका डेटाबेस मिल गया, और उसके बाद क्या है, इसने इस सर्वर पे रिक्वेस्ट को भेजा, और यहाँ पे इनके बीच में क्या बन गया, हैंडशेक, थ्री वे हैंडशेक बन गया, और ये TCP सेशन बना के कनेक्ट हो गया। तो इस तरीके से हमारी जो क्वेरी है वो काम करती है। एक बार और बताऊं? नहीं सर, देखो दोबारा से देख लो। सबसे पहले देखो ये यूजर था, ये वेबसाइट को ओपन करना चाहता था या इस होस्ट को कनेक्ट करना चाहता था, इसने एक URL सर्च किया, server1.microsoft.com, इसने URL यहाँ पे डाला, इसकी सबसे पहले क्वेरी गई अपने DNS सर्वर के पास, ठीक है, इसने क्वेरी करी ये, ठीक है ना। ये जो दूसरा आप देख रहे हो इस क्वेरी का रेस्पॉन्स है, ये जो एरो ये बना हुआ है रेस्पॉन्स है, ये रेस्पॉन्स में इसका IP एड्रेस सर्च करके मिला है। अब ये सर्च का कैसे हुआ, सबसे पहले इसने क्या है अपने इस सर्वर से सर्च किया, इससे DNS सर्वर से। अब DNS सर्वर ने सबसे पहले कैश को देखा, कैश में प्रेजेंट नहीं था, नो। उसके बाद इसने कहा ऑथोरिटेटिव यस और नो, इसने कहा नो, यानी कि किसी दूसरे सर्वर पे मिलेगा। अब इसमें सर्वर में अगर और कोई सर्वर होता बीच में और उसकी लिस्ट होती अवेलेबल तो ये वहाँ रिडायरेक्ट हो जाता, लेकिन इसने क्या किया, देखा कि मेरे पास और कोई DNS सर्वर अवेलेबल नहीं है, तो इसने क्या किया, कहाँ से क्वेरी की, रूट हिंट से। तो रूट हिंट से क्वेरी जो हमारे पास जाती है वो रूट सर्वर पे जाती है, तो उसकी यहाँ पे लिस्ट है, और लिस्ट को सर्च करके पहुँच गया रूट सर्वर पे। अब रूट सर्वर में नियरेस्ट रूट सर्वर को ढूंढेगा ये, ठीक है। अब रूट सर्वर्स में हमारे पास सबसे पहले इसने क्या है डॉट से, यानी कि रूट सर्वर से क्वेरी की। उसके बाद इसने क्या किया, इसके सेकंड लेवल सर्वर यानी कि टॉप लेवल से सर्च किया, टॉप लेवल में इसने कॉम को सर्च किया, कॉम को सर्च करने के बाद इसने सर्च किया माइक्रोसॉफ्ट को, और माइक्रोसॉफ्ट ने क्या है ऑथोरिटेटिव यस बोल दिया इसको, और जैसे ही ऑथोरिटेटिव यस बोला इसका डेटाबेस क्या है इसके साथ मैच हो गया, IP के साथ इसका नाम मैच हो गया, इसने डेटाबेस को क्या किया रिजॉल्व कर लिया, और इसकी क्वेरी को क्या किया आंसर कर दिया, ये आंसर ये रेस्पॉन्स वाली क्वेरी इसके पास पहुंची, और इसने इसके साथ TCP सेशन बना लिया और कनेक्ट।
इस तरीके से क्वेरीज काम करेगी, समझ आए? जी यस सर। ऑथोरिटेटिव और नॉन ऑथोरिटेटिव डीएनएस सर्वर कौन हो सकते हैं? ऑथोरिटेटिव डीएनएस सर्वर वो हो सकता है जो क्या कहे, रिटर्न कर दे डायरेक्ट आईपी एड्रेस, या तो उस आईपी एड्रेस को डायरेक्ट ही क्या कर दे, आईपी एड्रेस बता दे उसका, या फिर वो क्या बोलेगा, नो बोलेगा, ऑथोरिटेटिव नो बोलेगा, ठीक है। और नॉन ऑथोरिटेटिव डीएनएस सर्वर क्या होता है, पहले कैश को चेक करेगा, फॉरवर्डर को चेक करेगा, रूट एंड पे भेजेगा क्वेरी को, ठीक है ना। नॉन ऑथोरिटेटिव के अंदर रिक्वेस्ट भेजने की पावर है, डेटाबेस में से सर्च नहीं कर सकता वो, एक्चुअल में वो किसी दूसरी जगह पे भेज रहा है। ऑथोरिटेटिव का मतलब है कि मैं खुद ओनर हूं, ठीक है ना, और मेरे पास क्या है, उस वेबसाइट का एड्रेस है और डेटाबेस में प्रेजेंट है वो वेबसाइट, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली उसका क्या कर दूंगा, आईपी एड्रेस बता दूंगा। और अगर मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं कहीं और क्या करूंगा, उसे जाने के लिए बोलूंगा, ठीक है। नॉन ऑथोरिटेटिव में क्या होता है कि वो कैश को चेक करता है या फॉरवर्डर यूज कर रहा है, फॉरवर्डर क्या होता है, दूसरा डीएनएस सर्वर का एड्रेस होता है, यही क्या करेगा, रूट इंट को यूज करेगा, यानी कि रूट सर्वर को क्वेरी, रूट सर्वर को क्या करेगा, सर्च करने के लिए बोलेगा और वहां पे क्वेरी को रिडायरेक्ट कर देगा, ठीक है ना। फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम या FQDN क्या होता है? फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम का मतलब क्या होता है कि जब हम अपने नाम को उसके डोमेन के नाम से कनेक्ट कर दें, जैसे मैंने कहा मेरे कंप्यूटर का एक नाम है, ठीक है, मेरे कंप्यूटर का नाम है System1, और मेरे डोमेन का नाम MS.com है, तो होस्ट नेम प्लस DNS नेम बराबर हो जाएगा FQDN, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, तो इसे हम बोलेंगे फुल कंप्यूटर नेम, ये क्या बन गया, फुल कंप्यूटर नेम। तो आपके कंप्यूटर में लिखा आता है ना फुल कंप्यूटर नेम, फुल कंप्यूटर नेम में देखो सिस्टम वन जो है ये कंप्यूटर नेम है, इसी को हम नेट बायोस बोलते हैं ना, ये एक्चुअल में नेट बायोस नेम होता है, और ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं DNS डोमेन नेम, ठीक है ना, DNS डोमेन नेम। तो एक्चुअल में DNS डोमेन नेम क्या है, ये DNS सफिक्स के फॉर्म में काम करेगा, इसे क्या बोलेंगे, DNS सफिक्स बोलेंगे। सफिक्स वो है जो बाद में लगती है, प्रीफिक्स वो होती है जो पहले लगती है, इसलिए ये जो नाम है ये बाद में ऐड हो रहा है इसके साथ, तो इसे बोलेंगे DNS सफिक्स। तो यहां पे हम कह सकते हैं कंप्यूटर नेम प्लस DNS सफिक्स इज इक्वल टू FQDN, कंप्यूटर का नाम और उसका DNS सफिक्स दोनों को मिला दें तो बन जाएगा फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। तो ये कैसे बनता है, जब कोई कंप्यूटर वर्क ग्रुप में होता है, जब कोई कंप्यूटर क्या होता है वर्क ग्रुप में होता है तो वो अपने कंप्यूटर नेम या नेट बायोस नेम को यूज करता है, लेकिन अगर कोई कंप्यूटर डोमेन में ज्वाइन होता है तो उसका जो कंप्यूटर नेम है और DNS सफिक्स है दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तब ये कहलाता है फुल कंप्यूटर नेम या FQDN। समझ आ गया जी? यस सर। लुकअप टाइप्स, जब भी हम DNS के अंदर बात करते हैं तो DNS के अंदर दो तरह के जोन होते हैं, पहला जोन होता है फॉरवर्ड लुकअप जोन और दूसरा जोन होता है रिवर्स लुकअप जोन। ये जो दोनों जोन है ये दोनों जोन डेटाबेस को रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअल में DNS एक्चुअल में एक डेटाबेस है, उस डेटाबेस में ये दोनों तरह के जोन प्रेजेंट होते हैं। ये जो आपके दोनों लुकअप बता रहा हूं मैं, ये एक्चुअल में डेटाबेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें पहला जो जोन होता है वो होता है फॉरवर्ड लुकअप जोन। फॉरवर्ड लुकअप जोन का जो काम है वो है नाम से आईपी एड्रेस में रिजॉल्व करना। अगर मुझे कंप्यूटर का नाम पता है लेकिन आईपी एड्रेस नहीं पता है
तो मेरी रिक्वेस्ट जाएगी कहाँ पे, डीएनएस के पास। डीएनएस अपना फॉरवर्ड लुकअप जोन चेक करेगा और रिक्वेस्टेड आईपी एड्रेस को मुझे बता देगा। तो नाम से आईपी एड्रेस पता करना ये किसका काम है, फॉरवर्ड लुकअप जोन का, ठीक है ना। इसी तरह से इसमें एक होता है रिवर्स लुकअप जोन। रिवर्स लुकअप जोन उल्टा काम करता है, यानी कि रिक्वेस्टेड आईपी के बजाय ये क्या करता है, हमें नाम प्रोवाइड करता है। यानी कि हम आईपी एड्रेस सर्च करेंगे, मतलब ये इसका नाम सर्च करेंगे कि इस आईपी एड्रेस का क्या नाम है, यानी कि इसका कंप्यूटर नेम क्या है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे डीएनएस सर्वर से, और डीएनएस सर्वर अपने रिवर्स लुकअप जोन में चेक करेगा उस आईपी को, और उस आईपी के रेस्पेक्टिव उसके नाम को सर्च करके बता देगा। समझ आ गया? तो पहला हो गया फॉरवर्ड लुकअप जोन और दूसरा हो गया रिवर्स लुकअप जोन। फॉरवर्ड लुकअप का काम है नाम से आईपी एड्रेस में रिजॉल्व करना, रिवर्स लुकअप का काम होता है आईपी से नाम में रिजॉल्व करना, ठीक है ना। एक्चुअल में दोनों क्या है, डेटाबेस के ही पार्ट है। अब इसका जो डेटाबेस होता है वो जोन में डिवाइड होता है। डीएनएस का जो डेटाबेस है वो क्या होता है, जोन में डिवाइड होता है। जोन एक्चुअल में क्या है, जोन एक स्टोरेज डेटाबेस है, या हम स्टोरेज एरिया कह सकते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं। रिकॉर्ड के कलेक्शन को ही डेटाबेस कहा जाता है। रिकॉर्ड के कलेक्शन को क्या कहते हैं, डेटाबेस। तो जोन क्या हो गया, जोन इज ए स्टोरेज डेटाबेस विच कंटेन्स जोन रिकॉर्ड्स। अब ये जो रिकॉर्ड्स है उनके बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग, कि डीएनएस के अंदर जो डेटाबेस है उसके अंदर कौन कौन से रिकॉर्ड प्रेजेंट हो सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे फॉरवर्ड लुकअप जोन। देखो जोन दो तरह के हो गए, पहला हो गया फॉरवर्ड लुकअप जोन और दूसरा हो गया रिवर्स लुकअप जोन। फॉरवर्ड लुकअप जोन का काम क्या हो गया, इट इज यूज टू रिजॉल्व होस्ट नेम टू आईपी एड्रेस एंड मेंटेन्स होस्ट टू आईपी मैपिंग। एक ऐसा डेटाबेस जो होस्ट से आईपी की मैपिंग को स्टोर करता है। रिवर्स लुकअप जोन क्या करता है, इट इज यूज टू रिजॉल्व आईपी एड्रेस टू होस्ट नेम एंड इट मेंटेन्स आईपी एड्रेस टू होस्ट नेम मैपिंग। ये आईपी और होस्ट के बीच की जो मैपिंग है उसको स्टोर कर रहा है, और ये होस्ट नेम से आईपी की मैपिंग को स्टोर कर रहा है, ठीक है ना। तो ये दोनों तरह के जोन है, पहला जोन हो गया फॉरवर्ड लुकअप जोन, दूसरा हो गया रिवर्स लुकअप जोन। अब इसके कुछ रिकॉर्ड के टाइप्स हैं जिनके बारे में बात करेंगे। रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड एक्चुअल में क्या है, ये डेटाबेस के एक्चुअल में एक फाइल है, ठीक है। रिकॉर्ड में बहुत सारे रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड के अंदर क्या स्टोर है, ठीक है, वो अलग अलग पर्पस के हिसाब से। जैसे कि अब मैंने कहा है कि एसओए रिकॉर्ड, तो एसओए रिकॉर्ड क्या करेगा, एक जोन फाइल को बनाएगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होगी, स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी स्टोर होगी। एसओए को कहेंगे स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी, स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी। अब ये स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी काम क्या करेगी, अब देखो मैंने डीएनएस सर्वर से क्वेरी की, एक यूजर है यहाँ पे, यूजर वन, और ये है डीएनएस सर्वर। जब किसी यूजर की रिक्वेस्ट जाती है डीएनएस सर्वर के पास, तो डीएनएस क्या करता है, अपने डेटाबेस में उसको सर्च करता है। तो फॉरवर्ड लुकअप जोन में सर्च करेगा और रिवर्स लुकअप जोन में सर्च करेगा, ठीक है, और उसके बाद क्या करेगा, उसे आंसर कर देगा। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि इसके अंदर एसओए रिकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है, ऐसा डीएनएस सर्वर जिसके अंदर एसओए रिकॉर्ड है ही नहीं, तो हम अगर डीएनएस सर्वर से क्वेरी करेंगे तो ये कोई भी रेस्पॉन्स नहीं देगा, अगर उसके अंदर एसओए रिकॉर्ड नहीं होगा। एसओए रिकॉर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है, ओनर को रिप्रेजेंट करता है। इसको रिपोर्ट करता है, ओनर को रिप्रेजेंट करता है। तो एसओए रिकॉर्ड क्या यूज करता है, ओनर इंफॉर्मेशन को यूज करता है किसी क्वेरी को बताने के लिए। तो हम क्या करेंगे, जब यूजर इस डीएनएस सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा, तो ये डीएनएस सर्वर
किसी डोमेन को रिप्रेजेंट करेगा। अब इस डोमेन का ओनर कौन है यही नहीं पता, तो क्या ये रेस्पॉन्स कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ओनर इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम कौन करता है? एसओए रिकॉर्ड। अगर हम डीएनएस सर्वर से क्वेरी करें तो डीएनएस सर्वर ऑथोरिटेटिव यस या नो बताता है, बताता है ना, ऑथोरिटेटिव यस या नो। अगर इसका ओनर रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो ऑथोरिटेटिव आंसर नहीं कर पाएगा, ये यस और नो नहीं बता पाएगा। नहीं समझा? तो ये चीज है इसके अंदर। तो एसओई क्या कर रहा है, स्टार्टअप अथॉरिटी को बता रहा है, ओनरशिप को बता रहा है। अगर ओनरशिप ही नहीं है तो डीएनएस सर्वर काम नहीं करेगा। तो एसओई रिकॉर्ड कहां पे प्रेजेंट होता है? फॉरवर्ड लुकअप जोन में भी होता है और रिवर्स लुकअप जोन में भी होता है। यहां पे भी होगा, यहां पे भी होगा, किसी भी जोन में अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो डीएनएस सर्वर काम करना बंद कर देगा। ध्यान रखना, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड, और ये पहला रिकॉर्ड होता है जो किसी जोन फाइल में होना चाहिए। जोन फाइल में पहला रिकॉर्ड कौन सा होता है? एसओ रिकॉर्ड। अगर एसओ रिकॉर्ड प्रेजेंट नहीं तो डीएनएस सर्वर काम नहीं करेगा, राइट? क्या स्टोर करता है? ओनरशिप इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, उस डोमेन की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, राइट? यस सर। अब आगे बढ़े, अब देखो नेक्स्ट जो रिकॉर्ड है यहाँ पे एनएस रिकॉर्ड है। एनएस रिकॉर्ड जो होता है नेम सर्वर को कहते हैं। एनएस का मतलब है नेम, एस का मतलब है सर्वर। तो नेम सर्वर जो होता है वो डीएनएस सर्वर होता है। डीएनएस सर्वर का दूसरा नाम है नेम सर्वर। तो इट्स आइडेंटिफाई द डीएनएस सर्वर फॉर ईच जोन। किसी भी जोन में अगर कोई डीएनएस सर्वर है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक रिकॉर्ड यूज करेंगे, एनएस रिकॉर्ड। किसी भी जोन में अगर कोई डीएनएस सर्वर की एंट्री करानी है हमें, तो हम एक रिकॉर्ड बनाएंगे किस नाम से? एनएस रिकॉर्ड के नाम से, और उस नाम को वहां पे ऐड कर देंगे, उस डोमेन नेम को वहां पे ऐड कर देंगे, तो वो हमारा डीएनएस सर्वर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। तो एनएस रिकॉर्ड रिप्रेजेंट डीएनएस सर्वर ऑन द नेटवर्क। किसी भी नेटवर्क पे अगर कोई डीएनएस सर्वर है और उसकी एंट्री हम करना चाहते हैं तो एनएस रिकॉर्ड फॉर्म में करेंगे। नहीं समझे? तीसरा होता है होस्ट रिकॉर्ड। अभी होस्ट रिकॉर्ड क्या होता है? होस्ट का मतलब होता है कंप्यूटर, आईपी एड्रेस, और रिकॉर्ड का मतलब है एंट्री। तो कंप्यूटर की जो एंट्री है वो किस फॉर्म में हम होगी? होस्ट रिकॉर्ड फॉर्म में। तो इसे हम बोलेंगे होस्ट ए रिकॉर्ड। क्या बोलेंगे इसको? होस्ट ए रिकॉर्ड। अब देखो अगर हम आईपी वर्जन 4 यूज कर रहे हैं तो होस्ट ए रिकॉर्ड यूज होगा, और अगर हम आईपी वर्जन 6 यूज करेंगे तो वहां पे यूज होगा होस्ट ए ए ए ए। मालूम है कितने लोगों को मालूम था ये? मुझे मालूम था, ठीक है ना। तो आईपी वर्जन 6 में ये एंट्री आएगी, आईपी वर्जन 4 में ये एंट्री आएगी, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? किसी कंप्यूटर को या किसी डिवाइस को। मान के चलते हैं आप एक प्रिंटर की एंट्री करना चाहते हो डीएनएस के अंदर, तो किस फॉर्म में करोगे? होस्ट रिकॉर्ड फॉर्म में करोगे। अगर आप राउटर की एंट्री करना चाहते हो तो किस फॉर्म में करोगे? होस्ट ए रिकॉर्ड फॉर्म में। अगर किसी सर्वर की एंट्री करना चाहते हो तो किस फॉर्म में करोगे? होस्ट ए रिकॉर्ड फॉर्म में। नहीं समझे? समझ गया सर। तो कंप्यूटर या डिवाइस किसी की भी एंट्री अगर आपको करनी है तो होस्ट ए रिकॉर्ड फॉर्म में कर सकते हो। ये एक्चुअल में क्या करता है? इट रिजॉल्व्स द होस्ट नेम टू आईपी एड्रेस। ये होस्ट नेम से उसके आईपी एड्रेस को बताता है, यानी कि उसका होस्ट नेम ऐड करोगे और उसके रेस्पेक्टिव आईपी को ऐड करोगे। तो अगर कोई इस नाम को सर्च करेगा तो होस्ट ए रिकॉर्ड अगर प्रेजेंट होगा तो उस होस्ट के रेस्पेक्टिव जो आईपी एड्रेस है उसको बताएगा वो, ठीक है ना। तो होस्ट से आईपी में रिजॉल्व करने का काम है होस्ट रिकॉर्ड का, ठीक है ना। Yes, sir. एसओए रिकॉर्ड, एनएस रिकॉर्ड, होस्ट रिकॉर्ड, समझ आ गया। अब एक और रिकॉर्ड है एलियास रिकॉर्ड। एलियास जानते हो आप लोग? एलियास होता है निक नेम। देखो घर पे आपका कुछ और नाम होगा जी, बाहर कुछ और होगा, ठीक है ना जी। तो निक नेम बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। ये एलियास होते हैं। एक्चुअल में हमारे पास क्या होता है, जब भी हम लोग एक नाम को
रिप्रेजेंट करते हैं अगर वो नाम बहुत लॉन्ग है, ठीक है, अगर वो नाम क्या है बहुत ज्यादा लॉन्ग है और हम उसे शॉर्ट करना चाहते हैं, तो शॉर्ट में एक नाम रख देते हैं ना उसका, तो जो शॉर्ट नेम है वही एलियास रिकॉर्ड है। तो एक वेबसाइट है यहाँ पे www.computerworldindiainfo.com। तो बताओ अच्छी है ना वेबसाइट, कितने लोग सही स्पेलिंग टाइप कर पाएंगे इसकी? जी नहीं कर पाएंगे ना। तो जी अब क्या करेंगे हम, इसका एक एलियास रिकॉर्ड बना देंगे। इसका एलियास रिकॉर्ड पता क्या होगा? इसका नाम होगा CWI। इसका नाम क्या होगा? CWI। अब ये CWI जो है रिकॉर्ड जो है वो रिप्रेजेंट करेगा किसको? इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो हम यहाँ पे ओपन करेंगे www.cwi.com। जब इसे ओपन करेंगे ये रिडायरेक्ट कर देगा इस साइट पे और ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है ना। इसी तरह देखो आप, एग्जांपल बताता हूँ, फेसबुक ओपन करते हो आप लिखो fb.com, तो यही ओपन होगी फेसबुक। fb क्या है? एक एलियास रिकॉर्ड है इसका, शॉर्ट नेम जो है वो क्या करेगा, शॉर्ट नेम याद हो जाता है इजिली और मिस्टेक नहीं होती आदमी को। वो fb.com टाइप करेगा तो फेसबुक पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, तो फेसबुक ओपन हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये एक्चुअल में कर क्या रहा है, इट्स रिजॉल्व्स एन एलियास नेम टू होस्ट नेम। ये एलियास को उसके होस्ट नेम से कनेक्ट कर रहा है, दैट्स इट। एक नाम से दूसरे नाम में ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ठीक है ना, एक नाम से दूसरे नाम में रिजॉल्व कर रहा है, इसलिए हमने एलियास रिकॉर्ड बनाया, ठीक है ना। तो शॉर्ट नेम से फुल नेम में ये कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है ना। एक वेबसाइट के आप 10 नाम बना सकते हो, ठीक है ना, या एक कंप्यूटर को 10 नाम से बुला सकते हो। तो एक ही कंप्यूटर की मैं 10 एंट्री कर सकता हूँ अलग अलग, एक को पिंग करूंगा एक्चुअल वेबसाइट को पिंग करेगा, ठीक है ना, वो एलियास रिकॉर्ड होता है। अब ये सारे रिकॉर्ड बना के दिखाएंगे आप, ठीक है ना। यस सर, यस सर। इसके बाद देखो नेक्स्ट रिकॉर्ड जो है वो है पॉइंटर रिकॉर्ड। पॉइंटर जैसे नाम से ही आपको प्रेजेंट हो रहा है, देखो यहाँ पे पॉइंटर रिकॉर्ड, तो ये क्या पॉइंट कर रहा है? ये आईपी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, ये आईपी एड्रेस से नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो पॉइंटर रिकॉर्ड को हम पीटीआर भी बोलते हैं। तो हमेशा क्या होता है, होस्ट ए रिकॉर्ड जो होता है इसका एक रिवर्स रिकॉर्ड होता है पीटीआर, पॉइंटर रिकॉर्ड। तो जब भी किसी नाम को हम क्या करते हैं, कंप्यूटर नेम को क्या करते हैं, एंट्री करते हैं, तो उसकी एक पीटीआर एंट्री भी बनाते हैं। ये जो पीटीआर एंट्री होती है वो रिवर्स लुकअप जोन में बनती है। ये कहां बनेगी? रिवर्स लुकअप जोन के अंदर। होस्ट ए एंट्री कहां बनेगी? फॉरवर्ड लुकअप जोन। फॉरवर्ड। तो होस्ट ए रिकॉर्ड कभी भी रिवर्स लुकअप जोन में नहीं होगा। होस्ट ए रिकॉर्ड कहां पे होगा? फॉरवर्ड फॉरवर्ड लुकअप जोन में होगा। लेकिन पीटीआर रिकॉर्ड जो होगा वो होगा रिवर्स लुकअप जोन में। तो होस्ट का हमेशा क्या है, अपोजिट रिकॉर्ड होता है पीटीआर रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आईपी से होस्ट को रिजॉल्व करेगा, जबकि होस्ट ए रिकॉर्ड क्या करता है, होस्ट नेम टू आईपी रिजॉल्व करता है, ठीक है ना। तो पॉइंटर रिकॉर्ड क्या होगा, रिवर्स लुकअप जोन में काम करेगा, इसके रेस्पेक्टिव यानी कि इसके अगेंस्ट काम कर रहा है, ठीक है। पीटीआर रिकॉर्ड ये आईपी से नाम में रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद देखते हैं एक और रिकॉर्ड जिसका नाम है एमएक्स रिकॉर्ड। एमएक्स रिकॉर्ड, एमएक्स रिकॉर्ड को बोलते हैं मेल एक्सचेंज रिकॉर्ड। मेल एक्सचेंज रिकॉर्ड, ये मेल एक्सचेंज रिकॉर्ड करता क्या है, इट रिप्रेजेंट एन एसएमटीपी मेल सर्वर। किसी भी एसएमटीपी मेल सर्वर को रिप्रेजेंट करने के काम करता है, ठीक है। तो एसएमटीपी सर्वर वो सर्वर होता है जो मेल सर्वर होता है, ठीक है ना। तो मेल को फॉरवर्ड करना, मेल को कनेक्ट करना, मेल को डाउनलोड करवाना, ये सब काम जो होता है इस प्रोटोकॉल का होता है, ठीक है। तो जब भी हम किसी एक्सचेंज सर्वर की एंट्री करते हैं या किसी मेल सर्वर की एंट्री करते हैं तो एमएक्स रिकॉर्ड फॉर्म में करते हैं,
इसका बेनिफिट क्या होता है कि जब कोई यूजर किसी मेल सर्वर तक पहुंचना चाहता है तो एमएक्स रिकॉर्ड को सर्च करता है और एमएक्स रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ही उस मेल सर्वर तक पहुंच पाता है। तो मैंने पहले सर्च किया अपने डीएनएस सर्वर को, तो मेरी रिक्वेस्ट गई डीएनएस के पास, डीएनएस ने अपना फॉरवर्ड लुकअप जोन चेक किया, उसने सर्च किया एमएक्स रिकॉर्ड को, एमएक्स रिकॉर्ड के अंदर मेल सर्वर का रिकॉर्ड था और मेल सर्वर के रिकॉर्ड ने मुझे डायरेक्ट उस मेल सर्वर पे फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है ना। तो अगर मेल सर्वर तक जाना चाहते हो तो एमएक्स रिकॉर्ड की एंट्री करनी पड़ेगी डीएनएस सर्वर, ठीक है ना। इसके अलावा देखो एक और इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड है हमारे पास, एसआरवी रिकॉर्ड। एसआरवी रिकॉर्ड का नाम कितने लोगों ने सुना है? इंटरव्यू में पूछा जाता है इसके बारे में। सर नाम तो सुना है लेकिन रोल क्या है वो नहीं पता इतना क्लियरली। सबसे ज्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है 99.99%, ठीक है, और इसमें से एक या दो बंदे ही इसका जवाब दे पाते हैं, ठीक है ना। एसआरवी रिकॉर्ड या सर्विस रिकॉर्ड होता क्या है बेसिकली? आपसे पूछा जाता है कि एक हमारे पास क्या है, एक यूजर है और ये हमारा डोमेन है। ये यूजर जब डोमेन को क्या करता है, कनेक्ट करता है, यहाँ पे डालता है यूजर नेम और नीचे डालता है पासवर्ड, ठीक है, और अपने डोमेन से क्वेरी करता है, तो यहाँ पे एक मैसेज आता है डोमेन नॉट अवेलेबल, डोमेन नॉट अवेलेबल या डोमेन नॉट फाउंड। होता है कभी ऐसा? यस सर, यस सर, है ना। तो अब मुझे बताओ ऐसा क्यों होता है? सर एसआरवी रिकॉर्ड ना होने की वजह से वहां पे, क्योंकि वो पास सर उसका ऑथराइजेशन नहीं है ना उस यूजर का, वो शायद पार्ट नहीं है डोमेन का। नहीं, ये डोमेन से कनेक्ट है, डोमेन ज्वाइन है, ये मशीन जो है ये डोमेन में ज्वाइन है, ठीक है ना, और इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन भी हो रहा है, पिंग हो रहे हैं ये आपस में, पिंग तो हो रहे हैं, लेकिन एक एरर दिखा रहा है यहाँ पे, डोमेन नॉट अवेलेबल, और यहाँ पे दिखा रहा है एसआरवी रिकॉर्ड नॉट प्रेजेंट। डिटेल में आप जाओगे तो वहाँ पे एक मैसेज आएगा, तो वहाँ पे आप पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा होगा एसआरवी रिकॉर्ड नॉट प्रेजेंट, इस तरह से। एक्चुअल में ये जो प्रॉब्लम होती है ये डीएनएस की प्रॉब्लम होती है, ये ट्रबल शूटिंग के लिए यूज करते हैं। देखो एक्चुअल में क्या होता है, हम लोग जब डीएनएस सर्वर यूज करते हैं तो डीएनएस सर्वर के अंदर कभी कभी एसआरवी रिकॉर्ड्स की एंट्रीज नहीं बन पाती। ये जो एसआरवी रिकॉर्ड्स होते हैं ये सर्विस रिकॉर्ड होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, सर्विस रिकॉर्ड्स, ठीक है। अब ये सर्विस रिकॉर्ड किसके होते हैं, अलग अलग तरह के सर्विस होती है। अब देखो डोमेन को जो कनेक्ट करती है हमारी सर्विस वो कौन सी होती है, एलडैप सर्विस। LDAP सर्विस का नाम सुना है? नहीं सर। ये जो LDAP प्रोटोकॉल है ये लाइटवेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल है, ये एक्टिव डायरेक्टरी का प्रोटोकॉल है। एक्टिव डायरेक्टरी को कौन रिप्रेजेंट करता है? LDAP। अब LDAP का एक रिकॉर्ड बनता है एसआरवी रिकॉर्ड, किस नाम से बनेगा, अंडरस्कोर LDAP डॉट टीसीपी नाम से, ठीक है ना, ये अंडरस्कोर टीसीपी अंडरस्कोर LDAP इस नाम से बनेगी। अब ये रिकॉर्ड क्या करेगा, ये एडी सर्वर को रिप्रेजेंट करेगा। ये तो क्या होगा, जब भी हमारी क्वेरी डीएनएस के पास जाएगा, डीएनएस सर्वर क्या करेगा, एडी सर्वर का एसआरवी रिकॉर्ड चेक करेगा LDAP वाला। अगर ये LDAP वाला रिकॉर्ड यहाँ प्रेजेंट नहीं है तो आप डोमेन सर्विस से कनेक्ट नहीं हो सकते। नहीं समझ आया? दूसरी प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूँ, आपने डाला यूजर नेम और पासवर्ड, यूजर नेम भी ठीक है और पासवर्ड भी ठीक है, जब रिक्वेस्ट इसके पास जा रही है ये कह रहा है पासवर्ड इनकरेक्ट। क्या बोल रहा है, पासवर्ड इनकरेक्ट, पासवर्ड भी ठीक है और यूजर नेम भी ठीक है, बताओ क्या प्रॉब्लम है? हुआ है कभी ऐसा? यस सर, होता है, सिट्रिक्स के अंदर बहुत होता है सर, ये मेरे यहां पर भी बहुत होता है। ये प्रॉब्लम होती है किस रिकॉर्ड की, अंडरस्कोर कैरबेरोज रिकॉर्ड, ठीक है। कैरबेरोज क्या करता है, यहां से रिक्वेस्ट तो करता है लेकिन उसको रेस्पॉन्स नहीं मिल पाता,
एडी सर्वर उसको रेस्पॉन्स नहीं कर पाता क्योंकि जो डीएनएस सर्वर है वो उसको लोकेट नहीं कर पा रहा है एसआरबी रिकॉर्ड को, इस वाले रिकॉर्ड को, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो प्रॉब्लम है ये ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। एक तो ये रिकॉर्ड, दूसरा होता है के पासवर्ड रिकॉर्ड अंडरस्कोर के पास डब्ल्यू डी रिकॉर्ड। ये जो रिकॉर्ड है ये कैरबुलस के पासवर्ड को सर्च करने के और मैच करने के काम आता है, और ये तभी काम कर पाएगा अगर डीएनएस सर्वर में ये रिकॉर्ड प्रेजेंट होगा तो। अदरवाइज ये जो डोमेन सर्विसेज है इसके जो पासवर्ड है उसकी एंट्री को सर्च नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारी तरह की प्रॉब्लम्स है जो एसआरबी रिकॉर्ड की वजह से हो रही होती है। ये एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। कभी कभी ये होता है कि आपका डेट और टाइम मैच नहीं करता, कभी कभी लिखा आता है डेट एंड टाइम लिखा आता है क्लाइंट एंड सर्वर टाइम इज डिफरेंट, इस तरह से कुछ मैसेज आता है या टाइम डिफरेंसेस का मैसेज आता है, ठीक है। वो भी इसी की वजह से आता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे चीजें हैं। तो मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स आती है वो सर्विस रिकॉर्ड को करेक्ट होने की वजह, मतलब करेक्ट ना होने की वजह से आती है, ठीक है। अभी आगे बताएंगे उसके बारे में और। अब देखो हमारे पास डीएनएस सर्वर जो काम करता है वो जोन पे काम करता है। तो हमारे पास मेनली तीन तरह के जोन होते हैं। पहला होता है प्राइमरी जोन। प्राइमरी जोन दो तरह के होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड प्राइमरी और एक होता है एडी इंटीग्रेटेड प्राइमरी जोन। एक होगा हमारा स्टैंडर्ड प्राइमरी, ठीक है ना, स्टैंडर्ड प्राइमरी, और दूसरा होता है एडी इंटीग्रेटेड। एडी इंटीग्रेटेड को स्टैंडर्ड, मतलब एडी इंटीग्रेटेड को भी प्राइमरी कहते हैं और स्टैंडर्ड प्राइमरी नॉर्मल होता है। तो ऐसा डीएनएस सर्वर जो एडी से कनेक्ट नहीं है उसके अंदर तो स्टैंडर्ड प्राइमरी जोन होगा, लेकिन जो सर्वर एडी से कनेक्ट नहीं है और सिंपल डीएनएस सर्वर बना हुआ है तो उसके अंदर क्या होगा, सिर्फ स्टैंडर्ड प्राइमरी जोन ही होगा, एडी इंटीग्रेटेड नहीं होगा, ठीक है ना। तो नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, स्टैंडर्ड प्राइमरी, स्टैंडर्ड सेकेंडरी और स्टब जोन, ये तीन तरह के जोन होते हैं, और चौथा जोन होता है एडी इंटीग्रेटेड, ठीक है ना। तो तीन तरह के जोन में जो पहला जोन होता है जिसे हम प्राइमरी जोन कहते हैं, स्टैंडर्ड प्राइमरी, इसका काम क्या होता है, इट स्टोर्स द मास्टर कॉपी ऑफ द ऑल जोन इंफॉर्मेशन। देखो क्या होता है कि जब भी हम किसी रिकॉर्ड को डीएनएस सर्वर में इंसर्ट करते हैं तो हम उसको राइट करते हैं, ठीक है ना, करने के बाद उसे रीड भी करेंगे। तो जब डेटाबेस में जाएगा तो रीड राइट कॉपी क्या करेगा, स्टोर करेगा। तो हमने एक रिकॉर्ड बनाया तो वो रिकॉर्ड कैसे हो गया, रीड राइट हो गया। तो स्टैंडर्ड प्राइमरी जोन हमेशा क्या करता है, रीड राइट कॉपी को स्टोर करता है, और इस कॉपी को हम कहते हैं मास्टर कॉपी ऑफ द जोन, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड प्राइमरी जोन के अंदर क्या होगी, मास्टर कॉपी होगी, और कैसी कॉपी होगी, रीड राइटेबल कॉपी होगी। किसी भी जोन रिकॉर्ड की कैसी कॉपी होगी, रीड राइट कॉपी होगी, ठीक है ना। सेकेंडरी जोन जो होता है वो प्राइमरी जोन की एक कॉपी को स्टोर करता है, इट्स ए बैकअप कॉपी ऑफ द प्राइमरी जोन, इसे हम बैकअप कॉपी कह सकते हैं। अगर देखो हमारा प्राइमरी जोन फेल हो गया, सेकेंडरी जोन हमारे पास है, तो हम सेकेंडरी को प्राइमरी जोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। Yes, sir. और ये जोन कैसा होता है, रीड ऑनली जोन होता है। रीड ऑनली का मतलब है रीड तो कर सकते हो लेकिन राइट नहीं कर सकते। राइट करने की जो पावर है वो सिर्फ प्राइमरी जोन के लिए, क्योंकि प्राइमरी जोन की एक कॉपी होती है सेकेंडरी, तो अगर प्राइमरी में कोई चेंजेस करेंगे तो वो सेकेंडरी में ऑटोमेटिकली हो जाएगा, लेकिन सेकेंडरी हम कोई चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि एक बैकअप कॉपी बनाता है ये, क्या बनाता है, एक बैकअप कॉपी बनाता है, ठीक है। तो ये प्राइमरी जोन है, मास्टर कॉपी इसके पास रहेगी, सेकेंडरी जोन जो है वो बैकअप कॉपी रहेगी प्राइमरी की, और ये क्या होगी, रीड ऑनली होगी, इसे रीड तो कर सकते हैं राइट नहीं कर सकते, ठीक है ना। और तीसरी जो हमारे पास होती है वो होती है स्टब जोन। अब स्टब जोन जो है, नॉर्मली देखो हम प्राइमरी जोन बना सकते हैं, सेकेंडरी जोन बना सकते हैं,
स्टब जोन स्पेशल केस में बनता है, किसी भी कंपनी के अंदर स्टब जोन नहीं बनाया जाता। स्टब जोन वहां बनाया जाता है जहां पे एक तो कंपनी क्या होती है, मल्टीपल मल्टी कॉन्टिनेंट होनी चाहिए पहली चीज। एक कंपनी है जिसके पास दो या तीन अलग अलग क्या है, रीजन है, ठीक है ना, जैसे अफ्रीका रीजन है, एशिया रीजन है या किसी और, मतलब ठीक है, तो चार पांच रीजन उसके पास अवेलेबल है। अब क्या होता है कि एक रीजन के अंदर उसके कुछ सर्वर रखे हैं, दूसरे रीजन में भी दूसरे सर्वर रखे हैं। अब कुछ एक ऐसा रीजन है जहां के सर्वर आपके मेन जो ऑफिस है उसके सर्वर से बहुत डिस्टेंस लॉन्ग हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हमें रखना पड़ता है स्टब सर्वर, ठीक है। स्टब जोन क्या होता है, स्टब जोन जो होता है नॉन ऑथोरिटेटिव सर्वर होता है, जबकि ये दोनों क्या होंगे, ऑथोरिटेटिव होंगे, लेकिन ये नॉन ऑथोरिटेटिव होंगे। नॉन ऑथोरिटेटिव का मतलब क्या होता है कि डेटाबेस प्रेजेंट नहीं है उसके पास। देखो हम यहाँ डेटाबेस रख सकते हैं, यहां भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ डेटाबेस नहीं रख सकते। तो जब डेटाबेस नहीं रख सकते तो क्या रखेंगे, हम रखेंगे एनएस रिकॉर्ड, एसओए रिकॉर्ड और ए रिकॉर्ड। इन तीनों रिकॉर्ड को मिलाकर हम स्टब जोन बना सकते हैं, ठीक है ना। देखो एनएस रिकॉर्ड नेम सर्वर को रिप्रेजेंट करेगा और नेम सर्वर हमारा कहां पे अवेलेबल है, प्राइमरी जोन के अंदर। प्राइमरी जोन के सर्वर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एनएस रिकॉर्ड से, राइट। एसओए रिकॉर्ड ओनर को इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है और हमारी जो डोमेन की इंफॉर्मेशन है वो एसओए रखेगा, इसलिए ये भी जरूरी है। और ए रिकॉर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, होस्ट नेम, होस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये तीनों रिकॉर्ड हम रखेंगे कहां पे, स्टब सर्वर के अंदर, ठीक है ना। स्टब सर्वर ओनली कंटेन्स द एनएस रिकॉर्ड, एसओए रिकॉर्ड एंड ए रिकॉर्ड, ओनली यूज टू लोकेट द नेम सर्वर। ये तीनों रिकॉर्ड क्या करेंगे, नेम सर्वर को लोकेट करेंगे, क्योंकि इसके पास अपना डेटाबेस नहीं है। तो स्टब जोन ओनली कंटेन्स द रीड ओनली कॉपी ऑफ द प्राइमरी जोन, ये प्राइमरी जोन की ही रीड ओनली कॉपी है। सेकेंडरी में भी ऐसे ही हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, सेकेंडरी के अंदर फुल डेटाबेस है, इसके अंदर फुल डेटाबेस नहीं है, सिर्फ क्या है, लिमिटेड रिकॉर्ड्स है, सिर्फ ये तीन रिकॉर्ड है, इन्हें कहेंगे लिमिटेड रिकॉर्ड्स, लिमिटेड कॉपी ऑफ डीएनएस डेटाबेस, ऐसा डेटाबेस जिसमें लिमिटेड कॉपी ही स्टोर हो सके, उस जोन को स्टब जोन कहा जाता है। नहीं समझ आया, आगे सर। देखो प्राइमरी जोन का काम क्या है, मास्टर कॉपी को स्टोर करना। मास्टर कॉपी वो कॉपी है जो रीड और राइट दोनों हो सकती है, सारा डेटाबेस इसके अंदर स्टोर है, ये कैसी कॉपी है, फुल कॉपी है। सेकेंडरी इसका बैकअप है तो ये भी फुल होगी, और ये कैसी है, रीड ओनली कॉपी, तो इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, और ये फुल कॉपी है। लेकिन स्टब जोन क्या है, नॉन ऑथोरिटेटिव कॉपी है, यानी कि ये क्या कर रही है, डेटाबेस को तो स्टोर कर रही है लेकिन लिमिटेड रिकॉर्ड को ही स्टोर कर पा रही है क्योंकि नॉन ऑथोरिटेटिव है, और साथ में क्या है, रीड ओनली भी है, ठीक है। रीड ओनली कॉपी करेगी एनएस, एसओए और ए की लिमिटेड कॉपी, ठीक है। तो ये तीनों रिकॉर्ड मिला के हमें इनको कहते हैं ग्लू रिकॉर्ड्स, एसओए, एनएस और ए रिकॉर्ड, ठीक है ना। और ये लिमिटेड कॉपी स्टोर करते हैं डीएनएस डेटाबेस की। ये किस लिए यूज करते हैं, हम ऐसी जगह पे जहां पे मल्टी कॉन्टेंट कंपनीज है और सर्वर कैसे हैं, अलग अलग रीजन में है लेकिन कुछ रीजन कटे हुए हैं, ठीक है ना, यानी कि डिस्टेंस बहुत ज्यादा लॉन्ग होने की वजह से वो रीजन क्या हो गया, कट गया है, वहां पे आप अपना प्राइमरी या सेकेंडरी डेटाबेस को स्टोर नहीं कर सकते, तो ऐसी कंडीशन में आप स्टब जोन को होस्ट कर दोगे। तो स्टब जोन क्या करेगा, वहां पर रिप्रेजेंट करेगा एक डीएनएस सर्वर को जो डायरेक्ट हमारे मेन जो डीएनएस सर्वर है उस पे क्वेरीज को रिडायरेक्ट कर देगा, ठीक है ना। तो ये काम होता है स्टब जोन का, ठीक है ना। तो इन तीनों तरह के जोन को हम बनाएंगे, प्रैक्टिकली करेंगे सारे चीज, ठीक है ना। स्टब जोन सिर्फ नेम सर्वर पर रिफर करेगा। एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड जोन, एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड जोन हमेशा क्या है, एडी डेटाबेस की इंफॉर्मेशन को रखेगा,
अब देखो नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, डीएनएस सर्वर बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब डीएनएस सर्वर आप बना रहे हो तो एक्टिव डायरेक्टरी और डीएनएस सर्वर को यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने क्या कर दिया, टाइटली कपल्ड कर दिया, या इन दोनों को अलग ना कर सके। पहले क्या होता था, पहले एडी सर्वर अलग बना सकते थे और डीएनएस सर्वर अलग बना सकते थे, लेकिन अब माइक्रोसॉफ्ट ने यह कर दिया है कि जब भी आप एडी सर्वर बनाओगे तो डीएनएस ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। वो क्यों इंस्टॉल होगा, क्योंकि डीएनएस के अंदर एक्टिव डायरेक्टरी की जितनी इंफॉर्मेशन है वो स्टोर हो जाए इसके डेटाबेस में। तो उससे बेनिफिट क्या होगा, उससे बेनिफिट ये होगा कि हम किसी भी चीज को जब लोकेट करेंगे, एक्टिव डायरेक्टरी के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं अगर उनको लोकेट करेंगे, तो डीएनएस सर्वर क्या करेगा, अपने डेटाबेस के अंदर उसकी इंफॉर्मेशन को रखेगा, ठीक है ना, और इजीली क्या करेगा, सर्च कर लेगा उस चीज को। तो जो हमारी एक्टिव डायरेक्टरी की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, किसी भी ऑब्जेक्ट को लोकेट करने के लिए, सर्च करने के लिए इजी हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, एडी और डीएनएस को टाइटली कपल्ड कर दिया। जो भी इंफॉर्मेशन एडी की है वो इसके क्या है, एडी की जो भी इंफॉर्मेशन है वो डीएनएस डेटाबेस के अंदर क्या कर दी है, डाल दी गई है, ठीक है ना। तो अब ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, ये पॉसिबल हो पा रहा है एक्टिव डायरेक्टरी की वजह से। एक्टिव डायरेक्टरी को अलग अलग जोन में डिवाइड किया जाता है, वो हम आगे बताएंगे आपको, ठीक है ना, कि एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर कौन सी चीज कहाँ पे स्टोर है, ठीक है। ये चीज मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि एडी और डीएनएस जो टाइटली कपड़ ले तो क्या क्या इंफॉर्मेशन अपने अंदर रख पा रही है। अभी ये इस चीज का पार्ट नहीं है, ठीक है ना, इसलिए मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ आपको। बस इतना ये समझ लीजिए कि एक्टिव डायरेक्टरी के जो डेटाबेस है, ठीक है ना, इट स्टोर्स द इंफॉर्मेशन ऑफ जोन इन एडी डेटाबेस। ये अपने जोन की इंफॉर्मेशन को एडी के अंदर रख रहा है, ठीक है ना। इन दोनों की आपस में क्या हो रही है, कनेक्टिविटी हो रही है एक तरीके से, ये टाइटली कपल्ड हो रहे हैं एडी इंटीग्रेटेड जोन में, ठीक है ना। यस सर। एसआरवी रिकॉर्ड्स जो हैं उनका काम क्या क्या है, एसआरवी रिकॉर्ड क्या करते हैं, हमारी जो टीसीपीआईपी बेस्ड जो सर्विस है, जब क्लाइंट किसी टीसीपीआईपी बेस्ड सर्विस को यूज करेंगे तब एसआरवी रिकॉर्ड को यूज कर पाएंगे। तो डीएनएस के अंदर जो एसआरवी रिकॉर्ड्स हैं वो क्या काम करते हैं, देखो, डोमेन कंट्रोलर जब रेप्लिकेट होता है तब हमें एसआरवी रिकॉर्ड्स की जरूरत पड़ती है। एक आपने बना लिया एडी सर्वर और एक आपने क्या बना लिया, एडीसी, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। जब डीसी एडीसी के साथ रेप्लिकेट होगा या किसी और सर्वर के साथ रेप्लिकेट होगा तो क्या होगा, एसआरवी रिकॉर्ड अगर प्रेजेंट नहीं होंगे तो रेप्लिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो रेप्लिकेशन में काम करता है पहली चीज कि क्लाइंट सर्चेस द एडी, जब कोई क्लाइंट किसी ऑब्जेक्ट को सर्च कर रहा है एडी के अंदर तो जरूरत पड़ रही है एसआरवी रिकॉर्ड्स की, ठीक है ना। मान के चलते हैं प्रिंटर ही सर्च हो रहा है, ठीक है, या फिर किसी ऑब्जेक्ट को आप ढूंढना चाह रहे हो, उसे ग्रुप में ऐड करना चाह रहे हो तो सर्च कर रहा है उसको, तब भी जरूरत पड़ेगी उसको, ठीक है। तो जब एडी के अंदर कुछ ना कुछ सर्च हो रहा है तो एसआरवी रिकॉर्ड्स की हेल्प से ही हो रहा है। ए यूजर अटेम्प्ट टू चेंज हिज पासवर्ड, अगर कोई यूजर अपना पासवर्ड चेंज करता है तो भी जरूरत पड़ रही है, ठीक है ना। yes, जो अंडरस्कोर के पासवर्ड है उसकी एंट्री सर्च होगी तब पासवर्ड, और पासवर्ड अपडेट भी उसी वजह से होगा। एडमिनिस्ट्रेटर मॉडिफाइज द एडी, अगर हम एडी को मॉडिफाई करेंगे, उसके स्कीमा को मॉडिफाई करेंगे तो भी एसआरवी रिकॉर्ड की जरूरत पड़ेगी। तो इन सभी जगह पे जरूरत पड़ती है एसआरवी रिकॉर्ड्स की, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब जो डोमेन लेवल सर्विसेज से वहीं पर एसआरवी रिकॉर्ड काम आएगा, अदर देन डोमेन लेवल नहीं आएगा। स्टब जोन कैसे काम करता है,
देखो स्टब जोन पूरे रिकॉर्ड को तो स्टोर नहीं करता, ठीक है, ये पार्शियली स्टोर करता है। ये कंप्यूटर है जिसका नाम है सिस्टम 20। क्वेरी जा रही है किसके लिए? सिस्टम 10 के लिए। सिस्टम 10 कहाँ है? दूसरे जोन में है। ये देखो, ये ट्रेनिंग बना हुआ है, ये सपोर्ट बना हुआ है, ये दूसरा जोन है, यहाँ दूसरा डीएनएस सर्वर कनेक्ट है, ये दूसरा डीएनएस सर्वर है और यहाँ पे एक दूसरा डीएनएस सर्वर है। तो एक दो तीन, तीन अलग अलग डीएनएस सर्वर हैं जो ये आपस में कनेक्टेड है, ठीक है ना। आपकी क्वेरी किसके लिए गई है? सिस्टम 10 के लिए गई है। सिस्टम 10 यहाँ पे है, देखो बीच में है। तो यहां से होते हुए क्वेरी कहाँ गई है? आगे गई है दूसरे डीएनएस सर्वर पे, और दूसरे डीएनएस सर्वर के अंदर सिस्टम 10 लोकेट हो जाएगा। तो ये रिप्लाई कर देगा, ये बंदा यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, हो गया। अब मैंने क्या किया, इसका जो जोन है स्टब जोन वो यहाँ होस्ट कर लिया, इसका जो स्टब जोन है वो मैंने यहाँ होस्ट कर लिया support.ms.com। तो इसका बेनिफिट क्या होगा, जब भी मैं इससे क्वेरी करूंगा ये डायरेक्ट आंसर बता देगा, इसको यहाँ जाना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये इसको पॉइंट कर रहा है। ये देखो, ये इससे पूछ के बता देगा। एक बार भाई वहां चक्कर मार लिया तब बहुत देर होगी। हाँ ठीक है, ये इसके साथ TCP कनेक्शन बना लेगा, कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आज इतना ही करेंगे, ठीक है, कल हम इसको कंप्लीट करेंगे फिर लैब करेंगे इसकी, ठीक है। Yes, sir. Okay, sir. समझ आ गया, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। Yes, sir. Okay, sir. कल सेम टाइम पे कनेक्ट होंगे 11 बजे। Okay, sir. Okay, bye. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir.